हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑफिशियली स्टार्ट हो गया पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आज पाकिस्तान और हमारे बड़ों का मैच है, यानी कि यूएसए का। तो अपने अपने पेंटे शेंटे जो है वो टाइट कर लें, नहीं भी करेंगे तो अगले करवा देंगे टाइट। तो जी, आज एक्साइटमेंट से ज्यादा जो है वो ये वाली कंडीशन है, क्योंकि यूएसए की जो टीम है वो इस टाइम फुल कॉन्फिडेंट है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीत के आई है, उसके अलावा आयरलैंड के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसके अलावा सबसे बढ़ के वर्ल्ड कप में पहला मैच कनाडा के खिलाफ जीत चुकी है। तो पाकिस्तान की जो टीम है, दे कुड हार्डली से द सेम, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हमने तो सपोर्ट तो फुल करनी है इंशाल्लाह। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वर्सेज यूएसए की परफॉर्मेंस, दूसरा ये कि पाकिस्तान के जनाब बड़े हैं। तो इस टाइम शाम के 5 बज चुके हैं, तकरीबन कोई 3.5 घंटे रह गए हैं मैच स्टार्ट होने में, 8:30 बजे मैच स्टार्ट होने हैं। टॉस जो है वो हार गए हैं और पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि पहले बैटिंग करनी पड़ रही है। यूएसए ने स्पिनर लगा दिया आते ही, यानी कि मैं कल इंडिया के बारे में ये सोच रहा था कि कहीं वो स्पिन से ना अटैक करवा ले हैं, यूएसए ने वो काम कर दिया। डॉट बॉल से स्टार्ट किया पाकिस्तान ने और ये छक्का पहला छक्का मार दिया और दो इसको। बॉलर देखा देखा लग रहा है, श्रीलंका का बॉलर लग रहा है। ओ क्या बॉल और क्या कैच किया है, और पहला आउट हो गया पाकिस्तान का, रिजवान गया। ओए होए होए क्या कैच किया है यार। वो ये तो वो बिल्कुल वो वाला एक मशहूर वो कैच है ना, बरमूडा की टीम का, वो जो एक मोटा सा प्लेयर था उसने किया था, सेम वही कैच लग रहा है। उस्मान आएगा अब, कमेंटेटर तक यही कह रहा है कि कैच ऑफ द टूर्नामेंट ही हो गया। चौका तो नहीं होगा, कम से कम 3 होंगे। स्टार्ट बाय उस्मान खान। बाबर जो है इस टाइम फुल प्रेशर में आ गया और बॉल ऐसे स्विंग हो रही है, इस टाइम ऐसा लग रहा है अर्शदीप भी बॉल करवा रहा है। तो बाबर वैसे ही छोटी टीमों में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि छोटी टीम से मैच हो रहा है, मैं आउट ही ना हो जाऊं। खैर, बड़ी टीम से भी कंफ्यूज ही रहता है, कंफ्यूज ही रहता है ये बंदा। जब से ये कैप्टन बना है ये बंदा कंफ्यूज है। बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है पाकिस्तान की टीम जो है ना इस टाइम पर। ओ यार आउट हो गया, एक और उस्मान भी आउट हो गया यार। मतलब इतनी क्या जल्दी है, स्कूल से खेलो यार, कोई 150 तो कर लो भाई। मुश्किल पीछे है, बॉलिंग पीछे है, यहाँ पे आपने क्या 200 मारना है। हद हो गया यार, 2 आउट हो गए अब यहाँ पे। मतलब ये ना हो कि 120 के अंदर आउट हो जाए सारे। अब तो मतलब थोड़ी देर के लिए मैं समझा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, हालात ही ऐसे थे। मतलब भाई आपको एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो है ना इनका। अब यूएसए भी देखने में कोई कोई छोटी मोटी टीम तो लग नहीं रही, उनके जोन्स ने 94 मारा था कनाडा को, तो मुकाबला हो सकता है मतलब 150 में भी। ओए ओए अपील हुई LBW की, बाबर है यार आउट दे दिया और रन आउट पच गए यार दोनों तरफ से। एक और एच ओ क्या, फखर भी आउट हो गया यार। यार ये शॉट है यार खेलने वाली, हद हो गई है यार। शायद आपको फिर 5वें नंबर पे भेज दिया है, मतलब ये एक्सपीरियंस से सीखता ही नहीं है। अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है शायद आपके साथ, एक अच्छी पार्टनरशिप गई थी जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मतलब जब चाचू और शादाब चल गए थे, तो चांस है कि ये यार यहाँ से ले जाए लंबी इनिंग बाबर के साथ। 5 ओवर हो गए अभी तक, 27 हुआ है और पाकिस्तान के 3 आउट हो चुके हैं। मुझे ना बड़ी हंसी आ रही है पाकिस्तान की टीम पे यार, मतलब यूएसए के खिलाफ यार ये स्कोर है पाकिस्तान का 26 है, अभी 27 हो गया है, 3 आउट है, और प्रेशर ऐसा आया हुआ है पाकिस्तान की टीम पे जैसे बाकी कोई इंडिया की टीम के साथ मैच हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ मैच हो रहा है। मुझे तो लगता है कि जैसे ये सिर्फ एक टीम का प्रेशर नहीं है, कर्जे कुर्जे का भी कोई प्रेशर होगा जाहिर है, या तो ये जीतने के लिए इजाजत चाहिए होगी पाकिस्तान को। अब पता नहीं इजाजत मिली है कि नहीं बड़ों की तरफ से। पावर प्ले खत्म हो गया पाकिस्तान का भी, 28 हुआ है, 3 आउट है। अब इस टाइम ऑफ कोर्स की प्लेयर जो है वो बाबर ही है, और साथ में अगर शादाब साथ देता है और ये पार्टनरशिप लंबी जाती है तो फिर मतलब 160 तक हो सकता है। और छक्का मार दिया शादाब ने, और शादाब और जबरदस्त, और एक और छक्का, ओए होए 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 होए, और छक्के पे छक्का, और छक्के पे छक्का, और ये चौका फाइनली बाबर ने चौका लगा दिया, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और पाकिस्तान खेल रहा है, कौन जीतेगा इंशाल्लाह। ओ बाबर आजम ने छक्का मार दिया। अब शराब ने चौका लगा दिया, शुक्र है यार।
सम रिलीफ फॉर पाकिस्तान. तो इट्स अ गुड पार्टनरशिप, मतलब 60 रन की पार्टनरशिप हो गई है फॉर टू बॉल्स पे, और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह 87 हो गया है, बेशक 12th ओवर में जाके हुआ है. ओए बच गया, छक्का हो गया. ओए होए यहाँ होए पे अभी इनको विकेट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का कलैप्स कभी भी हो सकता है. बैड न्यूज़ यार पाकिस्तान के लिए, शादाब आउट हो गया स्वीप करते हुए, लेकिन अच्छा खेल गया, शुक्र है पाकिस्तान को थोड़ी सी मतलब पाकिस्तान की इज्जत बचा गया, 40 करके गया 25 बॉलों पे. ये नई विकेट गिरी है, मतलब नेक्स्ट विकेट गिर गया, आजम खान आते ही पहली बॉल पे आउट हो गया यार. मैं समझा वो पिछला आउट दिखा रहे हैं, मतलब पहली बॉल पे आउट हो गया यार, अभी शादाब आउट हो गया. अभी मैं कह रहा था कि पाकिस्तान का कोलैप्स होते हुए पता नहीं चलता. पाकिस्तान की ना पुरानी आदत है एक ना एक हीरो बनाना होता है टीम का, एक क्रेजी सी पता नहीं कौन लड़ गई है पाकिस्तान को, तीसरे विकेट ले गया है किंग जी चिंग जी. 99 पे ऑलरेडी 5 आउट हो चुके हैं, 13 ओवर्स हो गए हैं, ठीक है 7 ओवर्स हैं. अब ये कम से कम 7 ओवर जो हैं ये पूरे खेल लें, इतनी इज्जत ना अपने ये घुमाएं कि यूएसए से पूरी टीम आउट हो जाए. इफ्तिखार इज अ गुड प्लेयर अंडर दीज कंडीशंस, तो यहाँ पे इसको एक अपना चाचू होने का सबूत देना चाहिए कि यार ये टीम को लेके चलता है. बाकी ये है कि बाबर आजम खड़ा है, बाबर आजम ने भी 50 बॉल में 50 करके आउट हो जाना. बेहतर कह रहा है, बेहतर खाना. मैंने इस टाइम ही शुरू कर दिया है, मैं वेट कर रहा था कि चलो इनिंग्स खत्म होती है तो फिर खाना शुरू करते हैं, लेकिन 10 बजे गैस चली जाती है यहाँ पे, तो अभी खाना पड़ गया है. पाकिस्तान 138 पे 6 आउट है, 17.4 ओवर्स, अभी भी आराम से 160 बन सकता है. चाचू है क्रीज पे, शाहीन है. और यूएसए की बैटिंग को भी इजी नहीं लेना, क्योंकि पहले मैच में देख लिया किस तरह से जॉन्स ने खेला है, 94 नॉट आउट गया है वो, किस तरह से उसने मैच जीता आया है अमेरिका को. तो बाकी जब खैर अमेरिका का जब नाम आया था तो फिर कंडीशंस देखें या उनका नाम देख लें. और यार चाचू ये क्या किया यार, ये कोई टाइम था आउट होने का यार. मर मर गए, 140 हो गया पाकिस्तान का. शाहीन को फुल टॉस, ना 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 ना, शाहीन को फुल टॉस नहीं देने, ये छक्का जबरदस्त शॉट. अभी पाकिस्तान का हो गया जी 146. अब ये काबिले कबूल है, क्योंकि यहाँ से उम्मीद है कि 155 प्लस तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह. अभी पूरा एक ओवर और आया, आधा ओवर पड़ा हुआ है, 160 भी हो सकता है भाई. अब जो टोटल है ना, टोटल तो अब अच्छा हो गया है, 160 इज अ गुड टोटल. लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तानी बॉलर्स भी इस पिच को वैसे ही यूज कर सकते हैं कि नहीं, जैसे यूएसए ने किया है. क्या उन्होंने कमाल यूज ऑफ पिच किया है कि उनको पता है कि क्या कंडीशन है पिच की. अब पाकिस्तानी बॉलर्स अगर फुल टॉस ही फेंकेंगे तो भाई फिर भाई जैसी मर्जी पिचे बन जाए उसका तो कोई फायदा ही नहीं है. अपना शाहीन और शादाब, उससे पता नहीं अब हम किस किस्म की उम्मीद रखें, लेकिन उम्मीद तो अच्छे की है. टीम जो है वो ग्राउंड में वापस आ चुकी है, पाकिस्तान ने 160 का टारगेट दिया है, विच इज अ गुड टारगेट. फुल टॉस और चौका, यही बात की थी ना मैंने शुरू में मैच के, कि पाकिस्तानी अब जो मर्जी पिच हो जाए, जब करनी ही फुल टॉस है तो फिर पिच का मकसद क्या है. सेकेंड ओवर शुरू हो गया है, पाकिस्तान की तरफ से मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर ने पहली बॉल वाइड कर दी है और अब दूसरी बॉल भी वाइड कर दी है. ये है जी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद आमिर. माशाल्लाह क्या मीठा आम है. दुसहरी जो है ना, दुसहरी वो मेरा फेवरेट आम है. और क्या जबरदस्त फील्डिंग की है शादाब ने, जबरदस्त यार. ये जो रिजवान ने फील्ड किया ना पीछे, इससे चौका बचा लिया. इस वजह से मैं कह रहा था कि आजम खान को एज अ कीपर नहीं खिलाना, एज अ बैट्समैन तो चलो चांस है कि शायद वो स्कोर कर जाए, एज अ कीपर नहीं खिला सकते हम वर्ल्ड कप में. और यार ये क्या है यार, ये दोनों के बीच में से निकल गई है बॉल, ये कैच निकला है, ये चाचू का कैच था यार. अब ये कैचेस बार बार देंगे कब तक यार, हम ये कैचेस वाले जो है ना
कैच ड्रॉप होने से मैचेस हारते रहेंगे। मतलब इन कंडीशंस में भी अगर पाकिस्तानी बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे और यूएसए के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही तो पता नहीं कब करनी है यार, इंडिया के खिलाफ करनी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करनी है या इंग्लैंड के खिलाफ करनी है जिन्होंने इनको ऐसी पिचों पे भी 200 मार दिया। आमिर का दूसरा ओवर और पहली बॉल पे फिर चौका खा लिया। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल दिया है, 159 इज नॉट अ बैड टोटल, ठीक है, सारा डिपेंड करता है बॉलिंग पे। आज ही ऑस्ट्रेलिया ने ओमान के खिलाफ सिर्फ 164 किया है, लेकिन वो 25-26 स्कोर से ऑस्ट्रेलिया जो है वो आराम से जीत गया। आउट आउट आउट, यस, शाबाश नसीम, शुक्र है यार नसीम को भी विकेट मिली यार। इतना कोई अनलकी बॉलर रहा है ना कि सबसे अच्छी बॉलिंग करता था और विकेट नहीं मिलती थी। अरे रऊफ है, टेपिए दे से बड़ी उम्मीदें हैं, कुछ कर दें यार, तेरी मेहरबानी है, गुड फील्डिंग शादाब। मुझे तो डॉलर्स की तरफ ही जाता हुआ लग रहा है मैच। अब यहाँ से कैसे ये पलट सकता है मैच, और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें आयरलैंड वर्सेस इंडिया वाला मैच तो कैसे इंडिया ने ईजिली वो मैच जीता। आपके सामने एक 100 से कम स्कोर रह गया और आपके पास 9 विकेट्स हों तो आपके पास कॉन्फिडेंस कितना होगा। पाकिस्तान की तरफ से राइट आर्म फुल टॉस बॉलर आ चुके हैं बॉलिंग करवाने, शादाब देखते हैं जी क्या करते हैं। बैटिंग में तो बचा गया तकरीबन, शादाब को 6 पड़ चुका है जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने नहीं कोई ऐसा मैच देखा जिसमें शादाब को चिकाना पड़ा। 74 हो चुका है इस टाइम यूएसए का, अनऑफिशियली यानी मेरी तरफ से यूएसए का मैच मुबारक हो, यूएसए जीत चुका है। यहाँ से इस सिचुएशन से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। शॉट जो इसने खेली है देखी दिखी लग रही है, ये तो कोहली वाली शॉट है जो उसने हरीश रऊफ को मारी थी। पाकिस्तान अंडर प्रेशर नहीं भाई, पाकिस्तान मैच हार चुका है। 12 बज गए हैं, उधर घड़ी पे भी और इधर भी। 16वां ओवर है और शादाब को लगा दिया यार, अजीब बात है। गुड ओवर फ्रॉम नसीम शाह, अब 18/28 चाहिए, इजी है यूएसए के लिए, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर चाहिए, बल्कि 2 बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बल्कि 3 बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई अंदर से दुखी नहीं हुआ जो मैं आराम से बोल रहा हूँ, मेरे तीनों तरफ ना सो रहे हैं सब। 13/22 है इस टाइम, स्कूप खेलने की कोशिश में बच गया, सिंगल हुई है, 2 ओवर्स में 21 चाहिए, 19 रिक्वायर्ड इन 9 बॉल। आमिर यार तो छा गया वैसे, 7 बॉल्स पे 18 रिक्वायर्ड है। उस्ताद जी 15 चाहिए आखिरी ओवर में, 16 चाहिए था आखिरी ओवर में इंडिया को, और मैच विनर ने मैच हरवा दिया था। छिक्का मार दिया यार हरीश रऊफ को, 2/6 चाहिए यार। ये वही बॉलर है ना हारिस जिसने कोहली से छक्के खाए थे 2 मैच। चौका हो गया, मैच बराबर हो गया, छोटी टीम के खिलाफ मैच है आपका। आई एम सॉरी, छोटी टीम के खिलाफ नहीं, यूएसए के खिलाफ मैच है आपका, और आप सुपर ओवर, वो भी भला हुई एक्सपीरियंस आमिर का, इसको मैं इतना बुरा भला कह रहा था शुरू में, इसने मैच बचा लिया। सुपर ओवर में यही करता तो भाई वहीं पे हार जाते यार, ज़रूर अच्छा खेलना था एंड पे आके, अच्छी भली इज्जत मिलने लगी थी आमिर को 19th ओवर में। हारिस रऊफ ने सत्यानाश करवा दिया, उसके बाद ने एक और मौका दिया कि चल भाई इज्जत बना दे दोबारा, 19 स्कोर खा गया यार, वो भी एक्स्ट्रा दे के, मतलब हाथों से सिंगल कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहा आउट करने की यार। मुझे तो इस टाइम समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ आके एंड पे, टीवी में बस गुस्से में बंद करके आ गया हूँ। अंदर मेरी कंडीशन थी कि मैं शायद चीखें मारता गालियाँ देता, लेकिन बच्चे सो रहे थे तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं बाहर आके बात करूँ, लेकिन मैं क्या बात करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। बस वे लोग यहाँ पर एंड करूँगा कि पाकिस्तानी टीम, अल्लाह हाफिज़।